नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपीटेट 2016 में पूछे गए बाल विकास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2019, 2018 और 2017 में आए हुए बाल विकास के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज देखते हैं 2016 के क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पेन ले लेते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे का मतलब जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में आपने पढ़ा है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने चार अवस्थाओं की बात की है। पहली संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी इन्होंने अलग अलग एज भी बताई है। जैसे संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानते हैं ये लोग, जिन पियाजे। और दूसरी जो अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष मानते हैं, 2 से 7 वर्ष बताई है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष बताया है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से इन्होंने 11 से 15 वर्ष तक बताया है। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हियर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो यहाँ पे प्रशिक्षण का अंतरण यानी अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन है। प्रशिक्षण का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। क्या है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाए, यानी शरीर के एक हिस्से को ट्रेनिंग दी गई है, एक हिस्से से कोई काम करना सीखा गया, बाई चांस जब वो हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है तो हम दूसरे हिस्से से उसी काम को कर लेते हैं, यानी लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है एक अंग से, एक साइड से दूसरे साइड में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा क्या है? ऊर्ध्वांतरण नहीं, क्षैतिज अंतरण भी नहीं, द्विपार्श्विक अंतरण होता है। द्विपार्श्विक अंतरण, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल कैसे है? मानते हैं कि एक व्यक्ति है जो लिखना सीखता है एक हाथ से, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, होता क्या कि इसने इस हाथ से सीखा है लिखना, लेकिन इस हाथ में इसके चोट लग गई किसी तरह से, अभी ये इसे नहीं लिख पा रहा है। तो इस हाथ से जो इसने लिखना सीखा था अपना काम चलाने के लिए, ये इस हाथ से भी लिख लेता है। अच्छी राइटिंग नहीं बनती है, लेकिन इसका काम इस हाथ से भी चल जाता है। लेकिन जबकि इस हाथ को इसने ट्रेनिंग नहीं दे रखी थी, ट्रेनिंग किसे थी? ट्रेनिंग इसे थी, लेकिन जब ये काम नहीं कर रहा तो अधिगम का स्थानांतरण दूसरे पक्ष में, शरीर का एक हिस्सा ये इस साइड में और दूसरा हिस्सा इस साइड में। ठीक, तो द्विपार्श्विक अंतरण, ऐसे अंतर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले और भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक इन्होंने क्षैतिज अंतरण रखा है यहाँ पे विकल्प में। क्षैतिज अंतरण का मतलब होता है कि जब हम एक बराबर एक जगह पे जो सीखी हुई जानकारी है उसी लेवल पर जब हम यूज कर लेते हैं। जैसे क्लास थर्ड में हमने, क्लास सेकेंड में अगर जोड़ घटाना सीखा है तो आगे चल करके क्लास सेकेंड के स्टैंडर्ड में हम और भी जगह इसका यूज कर लेते हैं। तो वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो है, लेकिन क्षैतिज है, हॉरिजेंटल है। लेकिन ऊर्ध्व अंतरण का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब एक स्टेप आगे। वर्टिकल किसे कहते हैं? एक स्टेप आगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्ध्व अंतरण से,
फूड अंतरण से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि मोहन साइकिल चलाना जानता है लेकिन अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक स्टेप आगे की बात है। तो इस तरीके का जो अंतरण होता है, इस तरीके का अंतरण होता है, इसे कहते हैं ऊर्ध्व या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, और ये जो हम एक बराबर लेवल पे यहाँ की जानकारी वहां यूज कर लेते हैं तो उसे कहते हैं हॉरिजेंटल, क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं। आपने केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक चैप्टर पढ़ा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नामक चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसमें हमें तीन बातें खासतौर पे सीखनी होती हैं, एक तो आपका समांतर माध्य सीखना होता है, समांतर माध्य, माध्यिका, समांतर माध्य, माध्यिका, और अगला हमारा हो जाता है बहुलक। इसमें खासतौर पे हम लोगों को तीन टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो जो प्राप्तांक बहुत बार आता, सबसे अधिक बार आता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुलक। ठीक है, मोड बहुलक कहते हैं इसे। अब कैसे बहुलक होता है, बहुधा का मतलब क्या हो गया, जैसे संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6, 7, 2, 3, 2, 5, 7, 2, 2, 4, 6। अब इसमें देखा जाएगा कि इसमें बहुलक कौन सा, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, आप इस तरीके से ही देख के बता देंगे। सबसे ज्यादा बार जो आया है वो है 2, यानी 2 जो आया है ये है आपका बहुलक। तो दिए हुए प्राप्तांक, अगर कहीं प्राप्तांक दिए गए हों, समूह दिया गया, तो उसमें सबसे अधिक बार जो प्रयोग होता है उसे क्या, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात हो रही है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया है, तो ये बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक ई.एफ. स्किनर ने दिया है, और इसमें इन्होंने चूहों पर, इन्होंने कबूतर पे भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पावलोव का सिद्धांत कौन सा है, शास्त्रीय अनुबंधन, इसे भी समझते हुए चलिए, शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा है, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और कोहलर का सिद्धांत तो आपको पता होगा, इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर का। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे, किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा का नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है, और ये प्रेक्षण के आधार पे, इनका मानना है कि बच्चा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पे सीखता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पे सीखता है, जैसा ऑब्जर्व करता बालक वैसा ही सीखता है, यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर सुनकर समझ है, समाज से जुड़कर जो भी एक्टिविटीज हैं वहां से आती हैं। इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा गया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। मानसिक आयु जिसे हम लोग मेंटल एज कहते हैं, मेंटल एज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम लोग किसी बच्चे का आईक्यू निकाल रहे होते हैं, आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वाशेंट निकाल रहे होते हैं, बुद्धि लब्धि मापने की बात करते हैं, तो हमें मेंटल एज निकालनी पड़ती है सबसे पहले। तो मेंटल एज यानी मानसिक आयु का प्रत्यय खास तौर पे किसने दिया है, वो है एल्फर्ड बिने, एल्फर्ड बिने। ठीक है, बिने,
और यहाँ पर बिने किस ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिने एवं साइमन जो ऑप्शन है ये आपका। वैसे खासतौर पे एक व्यक्ति की बात करें तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने ने दिया है, ठीक है, केवल बिने। और अगर पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो बिने और साइमन आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने के नियम की बात जब भी हो तो आपको थॉर्नडाइक को याद रखना चाहिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने तत्परता का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, तनाव का नियम नहीं दिया है। तनाव का नियम ही आपका आंसर हो जाएगा, यही तनाव का नियम नहीं दिया है, यानी सीखने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी यहाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में प्रयोग किया गया है। संबद्ध प्रतिक्रिया कौन सी, प्रक्रिया को संबद्ध किया गया, कंडीशनिंग करा दी गई, रेस्पॉन्स जो हुआ था, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पे प्रयोग कुत्ते पर हुआ था, और ये प्रयोग किसने किया था, पावलाव महोदय ने किया था, पावलाव महोदय ने किया था, ठीक है। तो सीखने का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पे प्रयोग कुत्ते पर हुआ, कुत्ते की ही लार पर प्रयोग किया था इन्होंने, और पावलाव इनका नाम था, 1904 पावलाव ने। अगले क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सूझ द्वारा, देखो अभी हम लोग डिस्कस करके आए थे, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कर सकता था, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये हैं कोहलर, और ये कैसे हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर गेस्टाल्टवादी, मनोवैज्ञानिक है। ये कहते हैं कि कोई भी प्राणी सीखता है तो सूझ द्वारा सीखता है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। कोहलर से कहा गया कि सूझ है क्या, सूझ किसे कहते हैं, या अंतर्दृष्टि किसे कहते हैं, इसको इनसाइट कहते हैं। इनसाइट है क्या, इनका मतलब अंदर की ओर, और साइट का मतलब दृश्य नजारा है, यानी कोई भी समस्या का समाधान अंदर से ही निकलता है, ये बात कौन मानता है, कोहलर मानते हैं, ठीक है। तो इनसाइट को इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा था, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, सडन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की जब अचानक से समझ विकसित हो जाती है, एकदम से दिमाग में पूरी स्थिति क्लियर हो जाती है, तो उसे सूझ कहते हैं अंतर। अगले क्वेश्चन पर, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ किया, जारी रखा और नियमित रखने की जो प्रक्रिया है उसे प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन। क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा गुड महोदय ने दी है। किसने दी है, गुड महोदय की परिभाषा है, कार्य को आरंभ रखने, आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहा जाता है, या अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति का मतलब समझना है यहाँ पे, एक तो स्मृति होता है, स्मृति का अपोजिट है विस्मृति, यानी भूलने से संबंधित, भूलना कम हो जाए, इसके उपाय क्या हो सकते हैं। सीखने में कमी करोगे तो भूलोगे ही, उल्टा सीधा सीख लोगे किसी भी तरह से। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि होगी, अगर सही तरीके से नहीं सीखोगे तो आमतौर पर भूल ही जाओगे। और स्मरण करने में कम ध्यान देना, अगर हम किसी चीज को रिवाइज ही नहीं करेंगे, मेमोराइज ही नहीं करेंगे तो भी भूल जाएंगे, है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और सीखने में कमी भी नहीं। विस्मृति कम करने, हम कम से कम भूलें, यानी भूलने में कमी आए, उसके लिए हमें पाठ को रिवाइज करते रहना, पाठ की पुनरावृत्ति जरूरी है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। क्रोध व भय प्रकार हैं, क्रोध और भय तो आप जानते हैं ये संवेगों के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, कोई व्यक्ति कैसे कर रहा है, कोई भी काम कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सारी चीजें जो बच्चे दोहराने लगते हैं, इस व्यवहार को अनुकरण कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, यानी इमिटेशन कहते हैं, इमिटेशन, इमिटेशन कहते हैं अनुकरण। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को अनुकरण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो ऐसे में हम इसे क्या कह सकते हैं? अगर एक जगह पे सीखी हुई जानकारी या अनुभव, एक जगह पे सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव दूसरी जगह पर सीखने में सहायता कर रहे हैं तो उसका मतलब सहायता कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होगा तो सकारात्मक ही, और प्रशिक्षण अंतरण तो है ही, यानी अधिगम का अंतरण तो हो ही रहा है। एक जगह पर एक स्थिति में सीखा, हमने दूसरी में काम आ रहा है। यहाँ पर हमने थर्ड क्लास में गुणा भाग सीखा था, और जब हम 8th में यहाँ पर ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें काम आ रही हैं। यानी एक जगह सीख हुई चीज दूसरी जगह काम आ रही है, तो वो क्या है? सकारात्मक अधिगम अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है, सकारात्मक प्रशिक्षण। और एक जगह पे सीखी हुई बात अगर दूसरी जगह पर बाधा उत्पन्न कर रही है तो उसे नकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, एक बात आपने कभी सीखी है उसे स्मरण नहीं रख पाते हैं या पुनः स्मरण, यानी दोबारा से वो याद ही नहीं आ रही, एक बार आपने सीख ली लेकिन जब जरूरत है तो याद नहीं आ रही है, तो इसमें आप याद करने में असफल हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं, इसका मतलब भूलना कहते हैं। एक जगह पे आपने कुछ सीखा है वो याद आना चाहिए, अगर उसमें असफल हो रहे हैं यानी विस्मृति है। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, 90 to 100, टर्मन क्या कहेंगे? टर्मन का मानना है कि बच्चा जो 91 से लेकर के 110 तक बुद्धि लब्धि वाला होता है, 91 से 110 वाला जो बालक होता है ऐसे बालक को सामान्य बालक कहा जाता है, यानी सामान्य बुद्धि बालक, मान्य 91 से 110, और वहीं से ये ऑप्शन भी है, 90 से 100 वाले को हम सामान्य बालक ही कहेंगे। एक टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि बालक सामान्य, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत, हाल की बात जब भी आए तो आपको स्टेनले इससे पहले समझ लेना है, स्टेनले हाल की बात हो रही है। स्टेनले हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये स्टेनले हॉल वही है जिन्होंने किशोरावस्था का बहुत ही विशद अध्ययन किया, बहुत ही डीप स्टडी की है किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था के विकास से इनकी एक पुस्तक भी थी स्टेनले हॉल की, जिसका नाम था एडोलसेंस, नाम की एक बुक आई थी, तो उसी में हॉल का सिद्धांत दिया गया है, यानी स्टेनले हॉल ने जो सिद्धांत दिया वो इस बुक में है, एक किशोरावस्था के विकास की। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? मनोलैंगिक की बात जब भी आए तो इसमें आप फ्रायड को लगाएंगे, फ्रायड ने ही मनोलैंगिक विकास का, इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, जब कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रायड को, तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने बताया, फ्रायड ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंड को जाता है, यानी डब्ल्यू वुंड को जाता है, और ये जर्मनी में सबसे पहले इन्होंने 1879 में, विलियम वुंड ने जर्मनी में 1879 में लिपजिंग नामक शहर में, लिपजिंग नामक शहर में, ठीक है, विलियम बुंट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? देखो, गेस्टाल्टवादी तो बहुत से लोग कहे जाते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा मैक्स वर्दीमर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, वही वर्दीमर ही है जो कि थोड़ा सा। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला यानी फाउंडर कौन थे? मैक्स वर्दीमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघनन सिद्धांत, संघनित होके जानकारी कहाँ से आती है वो पूछ रहा है। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये स्मृति से संबंधित, जो भी चीजें हमें याद आती हैं वो कहाँ से आती हैं, जो डेटा हमने पहले से ही माइंड में कलेक्ट कर रखा है उसी से संघनित होकर के सारी जानकारियां निकल के। तो संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख के क्या है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत दिया किसने है हमें ये भी जानना होगा। क्षेत्र सिद्धांत ये कोर्ट लेविन ने दिया है, कोर्ट लेविन। किस वर्ग का सिद्धांत है तो आपको पता होना चाहिए, कोर्ट लेविन जो मनोवैज्ञानिक है ये भी एक गेस्टाल्टवादी है, ये भी गेस्टाल्ट संप्रदाय का समर्थन करते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिस तरह से कोहलर, कोफका और वर्दिमर गेस्टाल्टवादी हैं उसी तरह से कुर्ट लेविन भी गेस्टाल्टवादी हैं। तो क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत होगा, तो ये गेस्टाल्टवादी वर्ग का। अगले क्वेश्चन पे, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हेयर। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, आपने बैटरी शब्द सुना होगा और बैटरी का जो प्रयोग होता है खासतौर पे एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है C.M. भाटिया। C.M. भाटिया ने बैटरी बनाई थी उसे कहा गया भाटिया बैटरी, उसे क्या कहा गया भाटिया बैटरी। और भाटिया बैटरी में, भाटिया बैटरी एक परीक्षण है और वो परीक्षण है बुद्धि का, बुद्धि परीक्षण का है। एक भाटिया बैटरी एक ऐसा परीक्षण है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे 5 उप परीक्षण हैं, तो जब कई परीक्षण मिलकर के एक बड़े परीक्षण को बनाते हैं तो उसे परीक्षण या टेस्ट ना कह के उसे बैटरी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, बुद्धि के मापन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, और अभिक्रमित अधिगम तो फिर किसने दिया होगा, यानी अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है, इसमें कोई भी आपका आंसर सही नहीं है क्योंकि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया है और स्किनर के सिद्धांत से ही प्रेरित होता है अभिक्रमित, ठीक है, तो स्किनर इसका सही आंसर होना चाहिए, ये चारों ऑप्शन है गलत। एक अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहेंगे। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, यानी हम व्यवहार में परिवर्तन की ही बात करते हैं, और अधिगम क्या है, अधिगम मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, तो ऑप्शन ए यानी अधिगम हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा, सिदर्श सिद्धांत नहीं, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है उससे भी संबंधित नहीं, ये संबंधित है गिलफोर्ड के सिद्धांत से। गिलफोर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो एक तरीके से इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत इसे कहते हैं, इन्होंने कहा कि बुद्धि का जो सिद्धांत है इस तरीके इसके 3 आयाम हो सकते हैं, जैसे एक तो इन्होंने कहा है कि सामग्री होता है, इनके अलग अलग कई पार्ट होते हैं, सामग्री होता है, संक्रिया होता है, एक इसे हम संक्रिया मान लेते हैं, संक्रिया होता है, सामग्री संक्रिया, और एक ये हो जाता है उत्पाद, ठीक है। अब इन्होंने संक्रिया के और भी 5 हिस्से बताए हैं, संक्रिया के इन्होंने 5 हिस्से बताए हैं, तो इसमें पहला आपका संज्ञान है, संज्ञान है, स्मरण है, परंपरागत चिंतन है, परंपरागत चिंतन है, गैर परंपरागत चिंतन है, गैर परंपरागत चिंतन है, और अगला है इसमें आप कल्याण। क्लियर है, तो संक्रिया, गिलफोर्ड के सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत के 3 आयाम आपसे पूछ लिए जाएं तो 3 आयाम क्या हो गए, संक्रिया, सामग्री और उत्पाद, ठीक
ये तीन आयाम हो गए। इन तीन आयामों के भी कई पार्ट हैं, कई हिस्से हैं। इसमें से संक्रिया को जब डिवाइड करते हैं तो संक्रिया के पांच हिस्से होते हैं, इसमें संज्ञान पहला है। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होगा? गिलफोर्ड के सिद्धांत। सारी बातें क्लियर हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 वर्ष का सुधीर है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, देख लेते हैं। इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देखिए मेंटल एज कितनी है, मानसिक आयु, मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु 10 हो गई, 10 वर्ष हो गई, 8 वर्ष का है सुधीर, तो इसकी ये वास्तविक आयु हो गई यानी क्रोनोलॉजिकल आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष हो गई। कर दीजिए इसे 100 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से काट देते हैं तो तरह से, और इसे एक बार में काट दो 25 आ जाएगा, और इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा इसकी बुद्धि लब्धि 125। तो 25 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर, ठीक है। तो 8 वर्ष का अगर सुधीर है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित? तो ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है। जेम्स लैंग ने संवेगों के सिद्धांत में इस तरीके से बताया है कि जो संवेगात्मक अनुभव है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। इन्होंने कहा कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, जैसे हम किसी डरावनी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले हम भागने लगते हैं और डर की अनुभूति तो बाद में होती है, ऐसा कौन कहता है, जेम्स लैंग कहते हैं। जेम्स लैंग का सिद्धांत यानी पहले संवेगात्मक व्यवहार होगा उसके बाद में व्यक्ति संवेगात्मक अनुभव महसूस, ठीक। तो जेम्स लैंग के सिद्धांत से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट अगर पड़ती है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो और उसमें आगे वैरियर आ जाता है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी इच्छा या आवश्यकता में जो रुकावट होती है उससे जो उत्पन्न होता है सांवेगिक तनाव, उससे क्या कहते हैं, उसे कुंठा कहते हैं। व्यक्ति कुंठित हो जाता है अगर उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, उसकी आवश्यकता बाधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का नेक्स्ट और लास्ट भी है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग कौन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा है, भाषा विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है या शारीरिक विकास से? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। इन्होंने नैतिक विकास की 3 स्टेजेज बताई हैं, उसमें 6 स्टेप हैं, ठीक। तो पूर्व परंपरागत और परंपरागत और उत्तर परंपरागत, तो नैतिक विकास पर काम किया है किसने, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित। तो दोस्तों आज के लिए 30 क्वेश्चन थे, 2016 में पूछे गए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए, आगे भी जो और भी 2011 तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आप लोग चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम लोग इस पर इसी तरह से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सुपर डेट पे भी काम करेंगे, तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।